संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरूं तुझको टनिया की समान संत महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हम लोगों को यहाँ वक्त मिला समय मिला है। वैसे तो कहा है महान पुरुषों ने कि समय समय की बात है, समय समय के फेर और समय बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। देखिए कितना बढ़िया समय था, हमारे चमन साहिब जी आप लोगों को भजन श्रवण करा रहे थे। सुनेंगे एक भजन पंथ के माध्यम से कैसे इंसान का शरीर हमें मिला है। हो तेरी बीती रे, महान पुरुषों ने कहा हे बंदे, हे नर, तेरी उम्र यो ही बीतती चली जा रही है। हो तेरी बीती रे, हो तेरी बीती रे उमरिया बंदे भजन बिना। Oh।
पुस्तकों का अध्ययन करे तो उसका मन भी एक मंदिर बन जाए, लेकिन चित्त को कहाँ लगाए रखता है। चौपर तांस खेल रहे हो बाजी, व्यसन करने लग जाए, दारू पीने लग जाए, अंडा मांस अफीम चरस चांद गांजा न जाने कितने प्रकार के व्यसनों में पड़ जाता है, तो अपनी संतान को समझाता है, बेटा बुरे काम मत करना, व्यसनों में मत जाना। जब जिस परिवार का मुखिया ही गलत हो तो संतान पर क्या असर आएगा। संत गुरुजन कहते हैं बच्चे के संस्कार अच्छे बनाने के लिए पहले परिवार को, परिवार के मुखिया को अपने आप में जागृत होना होगा, तब अपनी संतान को समझा सकता है। कैसे अपनी बात धूल में कोई दई लड़कन को समझावे, जैसे हैं तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, लेकिन आज का ये इंसान उन्हीं चीजों का सेवन करता है। कैसे मांस खाई मदपान करे जे, पान करे जे सो चित्त लगावे, दीन दुखिन को नहीं पहचाने, दीन दुखिन को नहीं पहचाने, अपना रूप जमावे। जे तो है रे बबरिया बंद,
बोलिए सतगुरुदेव की जय।